बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम बेसिक डेफिनेशन देख रहे हैं अकाउंटिंग की। आपके सामने लिखी भी आ रही है डेफिनेशन अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट, एक कला है। किस चीज़ की? रिकॉर्डिंग की। सर, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, एनालाइज करता है एंड समराइज करता है अकाउंटिंग। इसके साथ में एक और चीज़ यहाँ पे लिख दूँ कि अकाउंटिंग इज आल्सो कॉल्ड लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस देखिए, जो ऊपर डेफिनेशन मैंने लिखी हुई, ये तो आप लोग मेरे से सुनते रहते हैं। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग व्हाट? रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल, जर्नल एंट्रीज, सही है। एनालाइजिंग, थिंकिंग अबाउट हाउ टू मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट ज़्यादातर कैसे होगा, हमें किस किस तरह से फ़ायदे हो रहे होंगे। समराइजिंग, हम सारे अकाउंट्स को एक जगह लेकर आ जाए, समराइज इन द एंड बताएँ कि हुआ क्या एक्चुअल, सही है। ऑफ किस चीज़ की? ये सारे काम करेंगे किस चीज़ की? सारे काम करेंगे बिजनेस की ट्रांजेक्शन के, अपने घर की ट्रांजेक्शन के नहीं। अपने घर की ट्रांजेक्शन का काम नहीं करूँगा मैं, किसका काम करूँगा? बिजनेस की ट्रांजेक्शन का। और मैंने एक और डेफिनेशन डेफिनेशन लिखी, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इज कॉल्ड लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जी हाँ, अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज भी कहा जाता है। क्यों? देखें, अगर दो अकाउंटेंट आपस में बात कर रहे हैं, दो अकाउंटेंट आपस में बात कर रहे हैं, और अकाउंटेंट ए ने, लेट सपोज अकाउंटेंट ए ने अकाउंटेंट बी को कहा, ए ने बी को कहा, क्या कहा ए ने बी को? कहा कि यार परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट। इसने, ए ने बी को कहा यार परचेजेस डेबिट, तो बी, मिस्टर बी समझ जाएगा क्या कि वो सामान ख़रीदा है जो बेचने के लिए है, मतलब गुड्स, सही। क्योंकि परचेज का वर्ड डेबिट कब होता है? जब आप ख़रीदते हैं गुड्स, मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री, गुड्स मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री। अब लेट्स सपोज बी ने ए को कहा, बी ने ए को कहा, मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे इसको, बी ने ए को कहा यार फर्नीचर डेबिट। मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ यहाँ पे, ब्रैकेट के डजंट मीन माइनस नहीं है, ब्रैकेट में सिर्फ डेबिट रिकॉर्ड को अलग करने के लिए कह रहा हूँ, फर्नीचर डेबिट। तो ये बंदा ए समझ जाएगा, बी ने बताया ए को, अब तो ए समझ जाएगा कि फर्नीचर ख़रीदा गया है, क्योंकि फर्नीचर क्या है? एसेट्स है, सही है। तो ये थोड़ी सी थी बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग।